सनीता क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने जो छोटे प्लांटर होते हैं, बिल्कुल छोटे जो हम घर पे इजीली बना सकते हैं, जैसे क्रैक हुए कप में या किसी भी बोतल के किसी छोटे पार्ट में, छोटे प्लांट जो लगाना चाहें, जो घर के अंदर, जिनके घरों में जगह ज़्यादा नहीं है, जो बड़े प्लांटर नहीं रख सकते हैं, तो अपने घर में आप छोटे प्लांटर भी लगा कर बहुत अच्छी तरह से अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं और शुद्ध हवा को भी पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज आपको 5 प्लांट बताऊँगी जो हम जिसको लगा सकते हैं घर के अंदर और बाहर, उनको कैसी सनलाइट भी चाहिए या अंदर इंडोर में लगा सकते हैं, या उनको कैसा पानी देना है और कैसे हमने उनको प्लांटर को बनाना है, तो वो सब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मनी प्लांट के बारे में बताऊंगी। एक ये जो होता है मनी प्लांट, ये सबसे इजी टू ग्रो है। ये छोटे से छोटे प्लांटर में, ये देखिए मैंने ये बोतल का छोटा सा एक प्लांटर बनाया है, तो इसको मैंने काट दिया था और नीचे मैंने इसमें छेद किए हुए हैं बोतल में, यहाँ पे चारों साइड जो है इसमें छेद हो रखे हैं। और ये मैं कोई एक महीना हुआ है इसको लगाए हुए, मैंने इस एक महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो गया है ये हमारा ये। और इसको हमने जैसे काटना, अगर इसकी ब्रांच अगर लंबी भी हो रही है, तो मैंने आपको मनी प्लांट का एक मैंने वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने पूरे मनी प्लांट की जानकारी दी है, तो उसको कैसे हमने इसको इसी के बीच में हमने घुमाते रहना है ताकि ये काफ़ी अच्छा फैल भी जाए पूरा और ये सुंदर भी लगे देखने में। तो ये देखिए, तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे। तो ये क्रैक एक कप था मेरा जो एक टूटा हुआ था, ये यहाँ से क्रैक हो गया, छोटे छोटे जैसे हमारे पास कप होते हैं चाय के कप, या हम नया सेट लेके आते हैं एक दो ही बच जाते हैं जो खाली कप होते हैं, तो उनको कैसे हम उसमें भी हम जो छोटे प्लांट है वो लगा सकते हैं। प्लांट हमने ऐसे लेने हैं जिसकी जो जड़ें जो हैं बहुत छोटी होती हैं, बड़ी जड़ों वाला हमने प्लांट ही लेना है। तो उसमें सबसे पहले जो है हमारा मनी प्लांट आता है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने छेद भी नहीं किया है, लेकिन हमने छेद जरूर करना है। अगर आप विगनर हैं और पहले अभी शुरू ही किया आपने प्लांट लगाना, तो आप छेद जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे तो मैं अभी थोड़ा टाइम हो गया है लगाते हुए प्लांटों को, तो मुझे पता है कि इसमें कितना पानी डालना है और कितना इसको कितनी दिनों बाद पानी डालना है। लेकिन अगर आप विगनर हैं और अभी आपने स्टार्ट करा है पौधे लगाना घर में, तो आप प्लीज़ छेद जरूर करिएगा आप। तो उसमें भी मैं बताऊंगी आपको कि कप वगैरह में, जैसे हमारे ये कांच के कप हैं, तो इसमें हम कैसे छेद कर सकते हैं, तो उसको मैं बताऊंगी। तो उसके लिए एक तो मैंने ये प्लास्टिक की बोतल मैंने काट के रखी है, तो इसमें तो मैंने ये गरम करके चक्कू से ही छेद कर दिए हैं ये, तो ये एक प्लांटर हमारा ये बन गया। लेकिन एक ये मेरा बाउल है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसमें मैं छेद करूँगी एक बीच में यहाँ पे छेद, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले छेद कैसे करते हैं। तो पहले हम वो देख लेंगे, एक मेरा ये कप है, ये भी कांच का कप है, एक बड़ा दूध का कप है बच्चों का, तो ये देखिए ये मेरा क्रैक हो गए हैं यहाँ से, ये छोटे छोटे टूट जाते हैं बीच बीच में, तो इसमें मैं छेद करके दिखाती हूँ। तो पहले हमने कैसे छेद करना है तो वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने एक पतीला भर लिया है पानी का, आप एक कोई टब भी बकेट कुछ भी ले सकते हैं जिसमें हमारा कप जो है ये डूब जाए। और मैंने एक ये पेचकस ले लिया है, तो पेचकस को मैं बीच में रखूंगी, ये मेरा पतला पेचकस लिया है, इसको बीच में रखेंगे और थोड़ी सी हम धीरे धीरे इसमें छेद हो गया इसमें, पर धीरे धीरे करना है, हमारा क्रैक नहीं होना चाहिए। ये हमारा छेद हो गया इसमें, ये हमारा एक छेद हो गया। अभी मैं दूसरा जो मेरा एक सूप वाला जो बाउल था उसमें भी कर लेते हैं, ये मैंने उल्टा करके इसमें रख दिया और अब इसमें सेंटर में इसमें रखेंगे हम पेज को और धीरे धीरे मारेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें भी ये छेद हो गया है, ये देखिए अंदर से थोड़ा हमारा ये ज़्यादा टूट गया है इधर से, लेकिन छेद सा हो गया है इसमें, ये देखिए बाहर से। तो चलिए अब इसमें बताती हूँ मैं कौन कौन से प्लांट लगेंगे। तो फ्रेंड्स आप छोटे से छोटे कप में, ये देखिए देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं ये,
और ये इंडोर आउटडोर आप दोनों साइड रख सकते हैं। मनी प्लांट का तो प्लांट आपको पता ही होगा कि आप इंडोर में भी रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं, इसको दोनों साइड रख सकते हैं। इसको धूप में भी आप रखेंगे तो धूप में इसके थोड़े पत्ते जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं, और अंदर रखते हैं तो अंदर बड़े नहीं होंगे पत्ते, थोड़े ये छोटे रहेंगे। ये मेरे प्लांट जो हैं, ये दोनों प्लांट जो हैं तीनों, ये अंदर ही रहते हैं मेरे। और ये लास्ट टाइम मैंने, ये पानी में भी लग जाते हैं आपको पता ही होगा, तो ये लास्ट टाइम मैंने पानी में लगाए थे, तो ये देखिए इसका रिजल्ट देखिए, इसमें जड़ें, बल्कि आजकल ठंड है लेकिन इसमें जड़ें निकल आई हैं सारी। तो ये जो मैंने छेद किए हैं इसमें आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो मिट्टी का रेशियो आपने अगर नहीं पता होगा तो मनी प्लांट की मेरी वीडियो है जो मैं आपको नीचे बॉक्स नीचे मैं आपको बता दूंगी, उसका लिंक भेज दूंगी और आप उसको देख लीजिएगा कि मनी प्लांट का कैसे पौधा लगाया जाता है। तो उसमें सारी जानकारी जो है हमारे मनी प्लांट के बारे में मैंने आपको बताई हुई है। सेकेंड प्लांट के बारे में हम बताते हैं कि कौन सा अभी लगेगा। फ्रेंड्स, सेकेंड जो हमारा प्लांट है ये देखिए, हमारे पर्पल हार्ट है ये, ये देखिए कितने अच्छे इसमें फूल आए। अभी धूप जब खिलती है तो इसमें फूल जो है इसमें निकल आते हैं, तो इसकी मैं कटिंग लूँगी। ये भी हमारे छोटे जो छोटे से छोटे प्लांटर में लग जाता है, तो ये हम लगाएंगे इसको। तो चलिए हमको लगाते हैं फ्रेंड्स। ये जो हम ये लेके आए पर्पल हार्ट का, तो इसके हम दो जो बनाएंगे, ये मैं इस एक ही कटिंग की दो बना दूंगी इसमें। तो एक तो ये है हमारी कटिंग, तो इसके नीचे वाला जो है ये इसमें नोड एरिया से ही आएंगी जो जड़ें आएंगी, और ये बहुत ही आसानी से हमारा जो है ये प्लांट लग जाता है। तो इसका ये जो दो पत्तियां हैं ये हम निकाल देंगे, और ये इंडोर आउटडोर दोनों साइड लग जाता है, लेकिन धूप इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, धूप में थोड़ा ये जलने लग जाता है। मैंने ये हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, लेकिन धूप इसमें सीधी आती है सामने, तो ये चल तो जाता है, सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन वही है कि थोड़ा इसके पत्ते थोड़े जल्दी जलने लग जाते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें नोड एरिया कोई नहीं है, तो हम इसको ये काट देंगे और ये दो डंडियां हम लगाएंगे। तो इसमें कप में जो मैंने छेद किया है फ्रेंड, तो मैंने नीचे इसमें ये टूटी हुई ठिकरियां जो हमारे जो प्लांट जो प्लांटर जो है टूट जाते हैं उसकी मैंने डाली हैं। अगर आपके पास बजरी है तो आप बजरी भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो भी हम डाल सकते हैं कप में। कप में इसलिए हम डालते हैं कि अगर पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो जा रहा है तो वो मिट्टी में ना रहे, वो नीचे जो हमारे जो कंकड़ हैं उसी में हो जाए और जड़ें उसमें नहीं जाएंगी हमारी, तो हमारी जड़ें जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। और इसमें हम मिट्टी भर देंगे, ये वाली अभी मिट्टी का रेशियो मैंने वही रखा है कि कुछ परसेंट जो मैंने इसमें कंपोस्ट डाली है जो बर्मी कंपोस्ट है, और थोड़ी सी मैंने रेत डाली है। रेत का थोड़ा हम पोषण ज़्यादा रखेंगे, हमें पता ही है कि जो भी हम प्लांट लगा रहे हैं तो हमें थोड़ा ओवर वाटरिंग से हमें बचाना है इन प्लांटों को, तो मैं इसमें थोड़ा रेत का पोषण थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है और एक भाग जो है मैंने मिट्टी डाली है। और थोड़ी सी जो मैं मिट्टी पूरी, आपको पता ही है कि मैं मिक्स करके रख लेती हूँ पूरी मिट्टी, तो उसमें मैं मिक्स करके मैंने इसमें खाद डाली है, नीम खली डाली हुई है, और इसी में मैंने बोन मिल डाला हुआ है फ्रेंड, दो गुट्ठी। तो सारी चीज़ें ये मिक्स करके मैंने इसमें डाली हुई है, और एक चम्मच मैं हल्दी भी डाल देती हूँ ताकि इसमें फंगस ना लगे। बस ऐसे हमने बहुत ही आसानी से हमारा ये प्लांट लग जाएगा, तो ऐसे ही हमने इसको अंदर डाल देना ऐसे। और ये कप में भी बहुत सुंदर लगता है हमारा, देखने में भी सुंदर लगेगा, और लगा हुआ प्लांट जो है ये इसमें बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। और हमारा इंडोर में लगेगा तो ये इंडोर में और भी अच्छा लगता है, तो थोड़ा ब्राइट लाइट चाहिए पर इसको, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में चलने वाला। मनी प्लांट ऐसा है कि हमारा अंधेरे में भी चल जाता है, लेकिन जो ये है हमारा पर्पल हार्ट जो है ये हमारा थोड़ा सा ब्राइट लाइट चाहिए इसको, ये इंडोर में चल जाएगा लेकिन आपको लाइट ब्राइट चाहिए। और इसमें पानी का यही है कि जब तक इसका ऊपर की लेयर जब तक सूख नहीं जाएगी तब तक इसमें पानी नहीं देना हमने, बस इन थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है और ये बहुत अच्छी तरह से हमारा जो पौधा है ये सर्वाइव कर जाएगा। देखिए ये बहुत ही आसानी से हमारा प्लांट लग। अब हमने इसमें बस पानी दे देना, पानी हमने इतना देना है कि वो नीचे से निकल जाए। हमें पता है कि हमने अब नीचे एक छेद कर दिया है, तो पानी हमने ऊपर से डालना है, तो वो जब तक नीचे से नहीं निकलता है उतना पानी हमने दे देना है। और बहुत ही हमने वेल ड्रेन मिट्टी रखी है तो वो बहुत ही आसानी से नीचे से निकल जाएगा। इसी तरह हमने ये छोटे छोटे जो प्लांटर है इनमें सब में ही मैं बनाऊंगी, तो अभी मैं बताती जाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट है। एक हमारा ये है सेकंड, और तीसरा प्लांट मैं आपको बताऊंगी स्नेक प्लांट के बारे में। उसके में बहुत छोटे छोटे हम प्लांट हम बना सकते हैं और मैंने वो बनाए हुए हैं, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। तीसरा जो प्लांट है फ्रेंड, ये हमारा जो है ये स्नेक प्लांट के जो छोटी वैरायटी होती है उसका है, इसको आप अंदर लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटे से एक प्लांटर में इसको लगा रखा है, और इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जो मैं आपको लिंक उसका भी मैं आपको नीचे डाल दूंगी, तो आप पूरी अगर जानकारी स्नेक प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगी उसमें। तो इसका भी पूरा रेशियो वगैरह जो मिट्टी का सारा मैंने उसमें सब पूरा लिंक पूरा दे रखा है, मैंने उसमें सब बताया हुआ है। तो ये प्लांट जो है हमारा ऑक्सीजन घर के अंदर जो है हमारी ऑक्सीजन बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है, और बैड एयर को जो है
हम अगर घर के अंदर लगाते हैं तो हमारी हवा को शुद्ध करता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है हमारा, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप कभी कहीं भी रख सकते हैं इसको। तो ये आपका इंडोर भी प्लांट चल जाता है, इंडोर में आप किसी ब्राइट जगह पे आपने इसको रखना है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही स्लो में ग्रो करता है। अभी ठंड है तो ठंड में तो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा ये, लेकिन गर्मी में बहुत जल्दी बढ़ता है ये। आपकी फुल सनलाइट में भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप अंदर रखना चाहते हैं, छोटे प्लांटर जो है देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और इसमें एक नई ब्रांच इसमें से ये वो एक और आ रही है ये देखिए, तो ये बहुत ही एक ही ब्रांच से एक पत्ते से भी ये निकल जाता है। तो उसकी पूरी जानकारी मैंने जो नई जो वीडियो अपनी एक और मैंने बनाई है उसमें एक प्लांट की, तो उसमें दी हुई है। तो और पूरी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें देख लीजिएगा। वैसे ये इंडोर में बहुत ही अच्छी तरह से चलने वाला प्लांट है हमारा, और ये हमारी हवा को शुद्ध करता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और छोटे से छोटे प्लांट में भी हमारा ये पौधा लग जाता है। ये देखिए हमारा कितना छोटा सा प्लांटर है, तो ये इसमें भी ये देखिए कितनी अच्छी तरह से, और ये छोटी छोटी पत्तियों से मैंने लगा रखा है। ऐसे नहीं है कि मैंने पूरा प्लांट लगाया है, एक छोटी सी पत्ती से ये ग्रो किए हुए हैं। ये मैंने नर्सरी से नहीं खरीदे हैं, मैंने एक ही छोटी एक प्लांट लेके आई थी और उसी से मैंने ये छोटे वाले ये लगा रखे हैं। मैंने बड़ा भी है एक, वो मैंने बाहर रखा हुआ है, लेकिन ये छोटे वाले जो हैं ये अंदर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए मैं इसको अंदर रखती हूँ। तो एक प्लांट ये भी है जो आप अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड, ये मैंने ये जेड प्लांट के बारे में बताऊंगी। जेड प्लांट ये हमारी छोटी से छोटी कटिंग जो है हमारी लग जाती है ये, तो इसको आप लगा सकते हैं छोटे से छोटे प्लांटर में। ये देखिए मेरे छोटा प्लांटर है ये, इसलिए आजकल ऐसी हालत हो रखी है इसकी कि ये सर्दियों का थोड़ा ग्रोथ इसकी कम हो जाती है। और ये मैंने अंदर रखा हुआ था और पानी थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, इस वजह से इसकी थोड़ी पत्तियाँ झड़ गई हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से अभी ये मैंने पानी का थोड़ा कम देती हूँ इसमें। और इसी के साथ मैंने ये स्नेक प्लांट भी लगा रखा है, तो ये भी देखिए इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ अभी होने लगी है। गर्मियाँ जैसी आएंगी ये बहुत अच्छी तरह से अच्छा निकल जाएगा। और ये तो काफ़ी दिनों से मैंने ऐसे ही एक डंडी लगा दी थी, और इसकी मैंने बहुत सी डंडियाँ हैं जो ऐसे ही किसी छोटे छोटे प्लांटरों में ऐसे लगा रखी हैं, और बहुत अच्छी तरह से उनका जो ग्रोथ है वो मैं हैंगिंग में भी मैंने दो तीन लगा रखे हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये जेड प्लांट है, और ये मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा जो इसकी जो मैं कटिंग करती रहती हूँ, इसमें जो आगे निकलता है इसको थोड़ा हैवी बनाने के लिए इसकी मैं बीच बीच में कटिंग करती रहती हूँ। तो जो प्लांट जो ज़्यादा लटक जाते हैं तो उसकी मैं कटिंग ऐसे कर देती हूँ। तो ये देखिए इसकी ऐसे ये जो इसकी डंडी निकली है, इसकी थोड़ी सी नीचे की पत्तियाँ मैं तोड़ दूंगी ये, और ये सिंपल सा सिर्फ ऐसे इसको हमने ऐसे लगा देना है इसमें, ये थोड़ा सा इसको गिल्ला करके हमने ऐसे इसमें लगा देना है, और ऐसे ही इसकी जड़ें आ जाएंगी फ्रेंड ये। तो ये इसको बहुत ही आसान है इसको लगाना, इसकी सिर्फ वही है कि बेड ड्रेन मिट्टी रखनी है। और पूरी जानकारी के लिए आप मेरी वो जेड प्लांट की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो वो आप देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। और ये इंडोर के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है ये, इंडोर में आप इसको लगा सकते हो। इसको धूप ब्राइट लाइट चाहिए थोड़ी, और धूप में भी सर्वाइव कर जाता है ये मेरा प्लांट जो है ये धूप में है लगा हुआ। तो पानी थोड़ा इसको देख के डालना है हमने तो, और बहुत ही अच्छी तरह से ये छोटे छोटे प्लांटर में बिल्कुल छोटा, ये देखिए ये मेरा एक छोटा सा प्लांटर है, अगर इसमें भी मैं इसको लगाऊंगी बिल्कुल छोटा सा जो है इसमें भी लगाऊंगी तो इसमें भी बहुत अच्छी तरह से ये ग्रोथ करेगा। तो कुछ भी बोतल या कुछ भी कोई भी ऐसा कप जो चाय का कप है और कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे ये छोटा से मैंने बोतल ये करी है तो मैं इसमें इसको कटिंग जो है अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ। तो इसमें आप बहुत ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी कटिंग से लगा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये लगने वाला प्लांट है। तो चौथा प्लांट हमारा ये है, पाँचवा मैं आपको फ्रेंड, पांचवा जो हमारा पौधा है जो हमारा ये है बंडिंग ज्यू का, ये हैंगिंग प्लांटर में हमारे ये लगते हैं, ये बाहर मेरे हैंगिंग में लगे हुए हैं, तो ये आप अंदर भी लगा सकते हैं इनको। और ये देखिए ये थोड़ा मेरा बड़ा है, थोड़ा फैला हुआ है ये मेरा सूप का एक कप था जो अभी यूज़ नहीं करते हम, तो इसमें मैं लगा दूंगी वही मिट्टी का रेशियो जो मैंने आपको पहले बताया वो वाला रेशियो मैंने इसमें लगा दिया है। तो ये छोटी छोटी मैंने इसकी कटिंग जो है इसमें लगा दी है, और इसमें थोड़ा पानी हम डालेंगे अभी, तो ये दो तीन कटिंग मैं इसमें लगा दी है। तो ये ऐसे मैं बस ये जो कटिंग है ये ऐसे मैं इसमें लगा दूंगी और इसमें मैं पानी दे दूंगी। और इसमें आप दो तीन और भी लगा सकते हैं, जैसे हमने जेड प्लांट का दिया था, जैसे मैंने ये एक स्पाइडर का है, ये स्पाइडर के देखिए छोटे छोटे जो ये प्लांट निकल के आ रहे हैं,
तो ये आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है फ्रेंड। ये आपका हैंगिंग में भी बहुत अच्छा, ये मेरी बोटल्स में देखिए, ये मैंने पेप्सी की बोतल में ये और पानी की बोटल्स में मैंने ये लगा रखे हैं, तो ये कितनी अच्छी तरह से लगे हुए हैं। तो ये इसके जो है रनर निकले हुए हैं ये, और ये इसी के भी प्लांट एक ही मैं एक लेके आई थी स्पाइडर, और इसी से काफ़ी लग गए थे। तो इसको भी मैं छोटे से को देखिए, ये छोटे से ये निकाल दिया मैंने इतना सा ही, और इसको मैं साथ में इसी के साथ में इसको लगा दूंगी, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। और ये भी हमारा अंदर लग जाएगा, सिर्फ ब्राइट लाइट हमें इसमें चाहिए, तो ये भी हमारे छोटे से प्लांटर में हमारा ये चल जाएगा। तो इसको लाइट वाइट का इतना नहीं है, लाइट इसको चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इसको धूप में ही रखना है। तो इसमें आप जेड प्लांट लगा सकते हैं, इसको साइड में हम एक पूरा मिनी गार्डन बना सकते हैं। इसमें थोड़ा एक एक पौधा जो है, छोटी सी कटिंग जो हम यहाँ पे मनी प्लांट की लगा सकते हैं, जो भी पाँच मैंने प्लांट बताए हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पूरे में लगा देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे तरह से हमारा जो है एक बगीचा, छोटा सा बगीचा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि हमने बड़े गमले ही लाने हैं और बड़े में ही लगाना है, छोटे में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और छोटे में हमने इसको रखने में भी बहुत आसानी होती है, हमें इसे संभालने में भी इतना नहीं होता, और आसानी से हम इनको उठा भी सकते हैं। छोटे प्लांटों में यही होता है, बड़े प्लांटर्स को आपको उठाने में भी प्रॉब्लम होगी, जैसे एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना है, धूप में रखना है, ब्राइट लाइट में रखना है, या अंदर लेके जाना है, तो ऐसा मतलब हमें वही है कि छोटे प्लांटों को उठा के हम, और ये देखने में भी इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, बड़े प्लांटरों से ज़्यादा सुंदर हमारे जो छोटे प्लांटर लगते हैं। तो मेरे पास अब तो बहुत ज़्यादा छोटे प्लांटर भी, मैंने कोई भी बोतल वगैरह कुछ भी मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, और जो भी है मैं उसमें कलर वलर करके बहुत ही अच्छी तरह से उसका कुछ भी बना के हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी मेरी जानकारी, अगर आपको और भी कुछ जानना है तो ज़रूर मेरे को बताइएगा। और इसमें अब एक प्लांट में आप, चलो आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आप ये स्पाइडर वाला भी लगा सकते हैं, ये मेरा हैंगिंग वाला है, और हैंगिंग में मैंने और भी बाहर लगा रखे हैं, तो एक मैंने बोतल में ये हैंगिंग में ऐसे लगा रखा है ये वाला, और एक जो है ये बोतल ऐसे ही है, ये देखिए। तो ये आप इसके छोटे छोटे जो ये जो निकले हैं रनर, तो ये भी हम ऐसे ही, मैं ऐसे लगा दूंगी इनको ऐसे करके ऐसे, ये दो तीन हैं इकट्ठे जो हैं, थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे तो मैं एक एक करके ये तीन अलग अलग जगहों में लगा दूंगी, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से लग जाएंगे हमारे छोटे छोटे प्लांटरों में, छोटी सी बोटल्स में, छोटे से मग में, या आप छोटे से भी किसी भी प्लांटर में आप लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे ये सर्वाइव करेंगे। तो फ्रेंड ये थी मेरे छोटे प्लांटर की जानकारी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी मैं नीचे सबके लिंक डाल दूंगी नीचे, अगर ज़्यादा जानकारी आपने चाहिए, आपको चाहिए स्नेक प्लांट या जेड प्लांट के बारे में, या और किसी मनी प्लांट के बारे में, तो वो मेरी वीडियो और भी पूरी डिटेल में बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय।